हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम आर्ट एंड कल्चर से कुछ स्कल्पचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट को हैंडओवर किए गए हैं। ये स्कल्पचर्स जो हैं वो रिकवर किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इन स्कल्पचर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके पॉस्चर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पॉस्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये किस सेंचुरी से हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको ध्यान से इसको सुनना है और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सके इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो जब भी आपका एग्जाम होगा वहां पर आप रिवाइज करके जल्दी से उस एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। 10 एंटीक्विटीज जो स्कल्पचर्स हैं वो रिट्रीव किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये हैंड ओवर कर दिए गए हैं लास्ट वीक तमिलनाडु गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं जी के रेड्डी, ठीक है, जी कृष्ण रेड्डी, ये जो हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विटर पर ये किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, ब्रिंगिंग आर गॉड्स होम इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट का जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनका इनिशिएटिव है जो हमारे भगवान है, हमारी धरोहर है, उसको वापस लाना। That is rooted in preserving, promoting and propagating our heritage. ठीक है, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इंडिपेंडेंस से लेके 2013 तक सिर्फ और सिर्फ 13 एंटीक्विटीज वापस लाए गए थे और 2014 से अभी तक 228 लाए गए हैं। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा है। हालांकि हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन सी एंटीक्विटीज यहाँ पे लाई गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नटराज के बारे में। नटराज के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, आपने ये इमेज जरूर देखी होगी, बचपन में ड्राइंग बॉक्स पर आती थी और अभी भी आपने काफी जगह इस नटराज की मूर्ति को देखा होगा। इसके पोस्चर के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये राइट लेग जो है इसका इस तरह से है, ठीक है, और ये लॉर्ड शिवा का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके फोर हैंड है और इस तरह से हैंड का पोजिशन आप देख सकते हैं, लोटस पर ये खड़े हुए हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये रिट्रीव किए गए हैं 2021 में यूएस से, मटी किस टेम्पल से चुराए गए थे ये सब आपको याद नहीं रखना, बट आप यहाँ पे देख सकते हो पुन्नैनल्लूर अरुमेंगु मनियम्मन टेम्पल 2018 में इस टेम्पल से चुराया गया था ये। और ये जो इमेज है नटराज की, डिपिक्शन ऑफ शिवा इन द डिवाइन कॉस्मिक डांस, इस डांस पोजीशन में है, त्रिभंग पोस्चर है ये और ये लोटस पेडेस्टल पर खड़े हुए हैं और ये 11th-12th सेंचुरी के हैं। और इसके अलावा ये जो डांस पोजीशन है बेसिकली ये आनंद वाला तांडव है। आपको पता होगा शिव जी जो थे वो तांडव करते थे, गुस्से में खुशी में तांडव करते थे, तो ये आनंद वाला तांडव पोजीशन है। ठीक है, और ये त्रिभंग पोस्चर है। ठीक है, इस पोस्चर का नाम आपको पता होना चाहिए और इसके हैंड वगैरह जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फ्लेम है और यहाँ पे आप देख सकते हो डमरू है। ठीक है, ओके, तो ये है नटराज के बारे में। एक द्वारपाल जो है वो रिट्रीव किए गए हैं 2020 में ऑस्ट्रेलिया से और ये दो द्वारपाल हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये भी 1994 में एक टेम्पल से चुराए गए थे। इस टेम्पल का नाम क्या है, मुंडेश्वरा मुद्दयार टेम्पल, ठीक है, और ये स्टोन स्कल्पचर है और ये विजयनगर डायनेस्टी का है, 15th-16th सेंचुरी का है ये, और एक हाथ में इसने गदा ले रखा है और इसके अलावा जो अनादर लेग है वो इस तरह से, राइट लेग जो है वो इस तरह से इस पोजिशन में ऊपर तक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंकला मूर्ति। कंकला मूर्ति को रिट्रीव किया गया है 2021 में यूएसए, अमेरिका से इसको रिट्रीव किया गया है। इसको भी चुराया गया था, किस टेम्पल से चुराया गया था, तो नरसिंहधन स्वामी टेम्पल, नरसिंहधर स्वामी टेम्पल से चुराया गया था इसको। और इसके बारे में आपको याद नहीं रखना किस टेम्पल से वगैरह, वो सब कुछ नहीं, 1985 में। और ये कंकला मूर्ति है डिपिक्टेड एज अ फियरसम एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड भैरव, भैरव जो शिव जी हैं उनके बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, स्कल्पचर इज फोर आर्म्ड, इनके चार आर्म्ड हैं और इन्होंने ये जो आपको ऊपर वाले जो हैंड दिख रहे हैं इनमें इन्होंने डमरू और त्रिशूल ले रखा है। इसमें आप देख सकते हो त्रिशूल है, डमरू है और यहाँ पर एक बाउल ले रखा है इस राइट हैंड में, और यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, एक ट्रीफॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट ले रखा है एज अ ट्रीट फॉर प्लेफुल फॉन इन द लोअर राइट हैंड। ठीक है, तो ये ले रखा है इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आइडल है वो 12th और 13th सेंचुरी का है, तो ये सेंचुरी आपको याद रखना है।
और ये 2021 में रिट्रीव किया गया, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कब कहाँ से रिट्रीव किया गया, ये नहीं पूछा जाएगा, इनके पॉस्चर के बारे में और इनकी सेंचुरी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है नंदीकेश्वरा। नंदीकेश्वरा ये क्या है आपके, इसको रिट्रीव किया गया 2021 में यूएसए, और इसको भी इसी टेम्पल से चुराया गया था, नरसिंहधर स्वामी टेम्पल से 1985 में, और ये ब्रॉन्ज इमेज है, ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी हुई इमेज है और नंदीकेश्वरा की, और ये 13th सेंचुरी की है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टैंडिंग पोजीशन में है और त्रिभंग पोस्चर में ये खड़े हुए हैं, और इनके जो दो हाथ हैं, चार हाथ हैं, तो उनमें से दो जो हैंड है वो फोल्डेड हैंड है, मतलब उसमें नमस्कार कर रहे हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हो एक में एक्स ले रखा है, इसमें फाउन, ठीक है, अपर आर्म में, और फोर आर्म्स एंड नमस्कार मुद्रा, ठीक है, नमस्कार मुद्रा में है ये। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें फोर आर्म्ड विष्णु, ये विष्णु भगवान का स्कल्पचर है और इसके भी चार हाथ हैं, इसको रिट्रीव किया गया है 2021 में यूएसए, और इसको भी चुराया गया था अरुलमेगु वारद राजा पेरुमल टेम्पल से, ठीक है, 2008 में, और ये 11th सेंचुरी का है, बिलोंगिंग टू द लेटर चोला पीरियड, ठीक है, तो चोल पीरियड का है ये और 11th सेंचुरी का है, ठीक है। लॉर्ड विष्णु स्टैंडिंग पोजीशन में है, पद्म पेडस्टल पर ये खड़े हुए हैं, और इन्होंने क्या क्या ले रखा है, इन्होंने शंख और चक्र ले रखा है, ठीक है, दो हाथ में, और लोअर राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा में है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभय मुद्रा में है। ओके, क्लियर है। इसके बाद हम गॉडेस पार्वती के बारे में बात करें, तो इनको 2021 में रिट्रीव किया गया है यूएसए, और ये भी चोला पीरियड स्कल्पचर है और ये 11th सेंचुरी का है, ठीक है, चोल डायनेस्टी का है ये, और होल्डिंग अ लोटस इन लेफ्ट हैंड, देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड में इन्होंने लोटस पकड़ रखा है, वेयर इज राइट हैंड इज हैंगिंग डाउन नियर हर कटी, ठीक है, तो इस तरह से इस कटी पोजीशन में, मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी दो उंगलियां या एक उंगली फोल्ड की हुई होती है, ठीक है, इस तरह से अगर आपका हैंड है, ठीक है, और ये एक उंगली आपने इस तरह से फोल्ड कर रखी है, ठीक है, तो उस पोजीशन में है, ठीक है। दिस स्कल्पचर वॉज स्टोलन, ठीक है, ये भी चुराया गया था, ठीक है, अरुलमेगु वरदेव राजा पेरुमल टेम्पल से चुराया गया था, ये तो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडिंग चाइल्ड संबंधर के बारे में। चाइल्ड संबंधर जो है उनकी दो स्कल्पचर हमने लिए हैं, एक तो स्टैंडिंग पोजीशन में, एक डांस पोजीशन में। ये स्टैंडिंग पोजीशन में ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं 2022 में, ये जो स्कल्पचर है वो 11th सेंचुरी का है, और संबंधर जो है वो 7th सेंचुरी के चाइल्ड सेंट थे, साधु थे ये, ठीक है, और ये थ्री प्रिंसिपल सेंट जो साउथ इंडिया में है उनमें से एक थे, और वहां पे किदवंती है उसके हिसाब से गॉडेस उमा से इन्होंने मिल का बाउल जब रिसीव किया, और उसके बाद ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हो गए, उनके भजन वगैरह गाने लगे ये, और उनमें उनके जो स्कल्पचर है उनमें सेंट चाइल्ड लाइक क्वालिटी दिखती है, वाइल ऑल्सो एम्पावरिंग हिम विथ द मेच्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, और इनको भी चुराया गया था, और ये कहाँ से चुराया गया था और कब चुराया गया था ये तो आपको याद नहीं रखना, 1965-75 में, ठीक है, सायवनेश्वर टेम्पल से चुराया गया था, ठीक है, सायवनेश्वर टेम्पल से चुराया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये आप कुछ इमेजेस देख सकते हो, ये नटराज की इमेज है 10th सेंचुरी की है, और यहाँ पे कंकला मूर्ति की इमेज है 11th सेंचुरी की, यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। चाइल्ड समंदर की दो इमेजेस थी, जिसमें से एक तो मैंने आपको बता दी, एक ये वाला है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज का ही है और 12th सेंचुरी का है, और डांसिंग पोजीशन में, और ये डांस कर रहे हैं लोटस पर, और इनका जो वन लेग है वो मतलब जो आप राइट वाला लेग देख सकते हो, तो वन लेग रेश, और दूसरा एक हैंड जो है वो इस तरह से है, और ये पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स हेवन, और जो नेक्स्ट जो लेफ्ट हैंड है इज एक्सटेंडेड ग्रेसफुली इन द एलिफेंट ट्रंक गेस्चर, ठीक है, और यहाँ पे शिव और पार्वती जी जो है उनका एक स्कल्पचर है 12th सेंचुरी का है, ब्रोंज का है, और यहाँ पे शिव जी की फोर हैंड है, और उनमें से जो राइट वाला ये जो हैंड है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से पार्वती जी को पकड़ रखा है, और इस पोजीशन में ये है, ठीक है। स्टैंडिंग चाइल्ड समुंदर के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, बाकी सब के बारे में आप देख चुके हैं। जो फोर आर्म्ड विष्णु है वो ब्रॉन्ज के है स्टैंडिंग पोजिशन में, और उन्होंने चक्र ले रखा है, ठीक है, और शंख ले रखा है अपर हैंड में, और लोअर हैंड जो है वो कटी सस्त, ठीक है, हस्त, तो बेसिकली उस पोजीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जोड़ सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो लाइक तो करना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।